नमस्कार बच्चों राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हम लोग हम लोगों ने लॉगरिथम का चैप्टर का क्वेश्चन बनाया था आज भी उसी को आगे जारी रखते हुए आइए कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है इफ लॉग ए टू द बेस एक्स कॉमा ए टू दावर एक्स बाई टू एंड बेस बी आर इन जी पी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन जी पी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये जो तीन टर्म बच्चों है ये जी पी में दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है हम लोगों से कि एक्स का मान बताइए तो आइए सोल्यूशन हल दिया हुआ है तो सिंस लॉग ए टू द बेस एक्स कॉमा ए टू पावर एक्स बाई टू कॉमा लॉग एक्स टू बेस बी आर इन जीपी तीन टर्म दिया हुआ है तो देर फोर सेकेंड टर्म ए एक्स बाई टू डिवाइड लॉग ए टू द बेस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस बी अपॉन ए टू दावर एक्स बाई टू ये हो तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म है ना एंड थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म ठीक है क्लियर अब आइए देखिए ये डिनोमिनेटर हर में है तो इधर आके क्या हो जाएगा अंश में मल्टीप्लाई और ये हर वाला उधर जाके अंश में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आइए ए टू दावर एक्स बाई टू इंटू ए टू पावर एक्स बाई टू इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू टू द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी क्लियर ठीक है अब आइए ये क्या हो गया बच्चों ए टू पावर एक्स कैसे बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर एड होगा तो एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू एक्स हुआ इक्वल टू अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिए लॉग ए बाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स बाई लॉग बी लॉग ए बाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स बाई लॉग बी इसको तो लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस बी को क्या लिखते थे लॉग ए अपॉन लॉग बी वही लिखा गया बच्चों ठीक है अब आइए ए टू पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए अब देखिए यहां पर ये तो लॉग एक्स लॉग एक्स कैंसिल हो गया बचा क्या लॉग अपॉन लॉग बी है ना ठीक है तो ये क्या हो गया बच्चों लॉग ऑफ ए टू द बेस बी यानी ए टू पावर एक्स इक्वल टू हुआ लॉग ए टू द बेस बी हो गया ठीक है अब यदि हम लोग इसको लॉग ले लें टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स टू द बेस ए वी गेट क्या हो जाएगा बच्चों देखिए लॉग ए टू दावर एक्स टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ए टू द बेस बी टू द बेस ए यहां से क्या हो जाएगा बोलिए एक्स लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ए टू द बेस बी टू द बेस ए टू द बेस ए अब यहां देखिए लॉग ए टू द बेस ए ये तो वन हो गया आ एक्स इंटू वन क्या हो गया एक्स यानी एक्स बराबर आ गया हम लोगों का लॉग ऑफ लॉग ए टू द बेस बी टू द बेस ए एक्स बराबर लॉग ऑफ लॉग ए टू द बेस बी टू base ए यही हुआ हम लोगों का बच्चों फाइनल आंसर इसको नोट कर लीजिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन लॉग थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू देश नाइन एंड लॉग फोर इंटू थ्री टू दावर एक्स माइनस वन टू द बेस थ्री आर इन एन ए पी तब निकालना है एक्स का मान ठीक है तो सिंस सोल्यूशन वन लॉग थ्री टू द पावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस नाइन कॉमा लॉग फोर इंटू थ्री टू डी पावर एक्स माइनस वन टू बेस थ्री टू बेस थ्री आर इन एन एपी ये बच्चों हम लोगों का एपी में दिया हुआ है ठीक है तो एपी में दिया हुआ है तो आप जानते हैं दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस यानी बीच वाले का टू टाइम्स इक्वल टू फर्स्ट एन प्लस लास्ट टर्म तो दे आर फोर डायरेक्ट लिख दे चाह लीजिए डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस नाइन माइनस वन है ना इक्वल टू लॉग फोर इन टू थ्री टू पावर एक्स माइनस वन माइनस लॉग थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस नाइन क्लियर अब ये देखिए ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस तो टू टाइम्स हो गया तो टू इन टू लॉग थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस नाइन इक्वल <coughs> टू ये बेस थ्री है ठीक है इक्वल टू वन प्लस <coughs> लॉग फोर इंटू टू द बेस क्या हो जाएगा लॉग टू लॉग ये नाइन को तो थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों यहाँ थ्री वन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू वन प्लस लॉग फोर इंटू थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन टू द बेस थ्री ठीक है अब ये देखिए बताया था ये जो पावर है बेस का ये मल्टीप्लाई होगा लॉग के पास लेकिन विथ रेसी प्रोकल उसका व्युतक्रम होके तो क्या हो जाएगा बच्चों टू इंटू वन बाई टू लॉग थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस थ्री हो गया ये, ये देखिए यहाँ लॉग है इसको भी लॉग के रूप में लिख सकते हैं तो क्या लिखिएगा लिखने को तो बहुत लिख सकते हैं लेकिन यहाँ बेस पहले से लॉग थ्री था इसलिए हम इसको बेस थ्री वाला ही लिए जब बेस थ्री लिए तो ये थ्री लेंगे तभी ये वन होगा तो लॉग थ्री टू द बेस थ्री प्लस लॉग फोर इंटू थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन टू द बेस थ्री ये बच्चों देखिए टू से टू कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया ठीक है अब आइए क्या बच गया लॉग थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस थ्री हो गया इक्वल टू वही लॉग एम इन टू एन वाला लॉग एम प्लस एन तो ये देखिए प्लस है तो लॉग क्या ले लीजिएगा थ्री इंटू है ना थ्री इंटू फोर टू दावर फोर इंटू थ्री टू दावर एक्स है इसको करली ब्रैकेट ले लीजिए फोर इंटू थ्री टू दावर एक्स माइनस वन ये सबके साथ मल्टीप्लाई ना होगा थ्री ये जो थ्री है थ्री इंटू दिस ना तो ये पूरे के साथ होगा एम इंटू एन एम प्लस एन तो एम ये है और एन ये पूरा है तो थ्री इंटू दिस थ्री है अब देखिए दोनों का लॉग का बेस थ्री है लॉग है इक्वल है बच्चों तो क्लियरली क्या हो जाएगा थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री इंटू फोर इंटू थ्री टू पावर एक्स माइनस वन ये क्या हो जाएगा बोलिए थ्री टू पावर वन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू ट्वेल्व इंटू थ्री टू दी पावर एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री है ना अब इसको देखिए ये तो थ्री हो गया इसको इंटू थ्री टू दावर माइनस एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू टल्व इंटू थ्री टू दी पावर एक्स आइए माइनस टू इधर आया अब पहले से माइनस थ्री तो माइनस फाइव हो गया इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं थ्री इंटू वन बाई थ्री टू दावर एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू टूवेल्व इंटू थ्री टू दावर एक्स माइनस फाइव अब ये उधर मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा थ्री इक्वल टू टूवेल्व इंटू थ्री टू दावर एक्स का होल स्क्वायर होगा ना माइनस फाइव इंटू थ्री टू पावर एक्स हो गया कहीं कोई प्रॉब्लम बस सॉल्व किया जा रहा इसको। है इसको देखिए अब सबको एक साइड ले जाइए तो कितना हो गया बच्चों टूल्व इंटू थ्री टू पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री टू पावर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है ना अब यहाँ ध्यान दीजिए थ्री टू दी पावर एक्स में क्या है क्वाड्रेटिक है तो उसको हम लोग लेंगे कितना ये हुआ हम लोग का फाइव है और ये छत्तीस तो छत्तीस है तो क्या कीजिएगा कि आ जाए फाइव छत्तीस का क्या क्या होता है बोलिए छ नौ चार नौ चौके छत्तीस और नौ में से चार गया पांच ठीक है आ जाएगा तो इसको यहां पर करना होगा बच्चों इसको लिख सकते हैं ट्वेल्व इक्वल टू यहीं पर पहले लिख लिया जाए ट्वेल्व इन थ्री टू पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस नाइन इंटू थ्री टू पावर एक्स प्लस फाइव इंटू थ्री टू दावर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आ गया नौ में से पांच सॉरी फोर होगा बच्चों नौ में से चार गया पांच आ गया और नौ चौके छत्तीस हो गया ठीक है अब आइए इसमें क्या कॉमन लीजिएगा थ्री इंटू थ्री टू पावर एक्स कॉमन लेना होगा बच्चों तो थ्री इंटू थ्री टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया ले लिया तो यहाँ क्या बच गया बोलिए फोर इंटू थ्री टू पावर एक्स हो गया यहां बचा और यहां क्या बच गया माइनस थ्री यहां क्या बच गया माइनस थ्री क्लियर यहाँ पर प्लस वन तो फोर इंटू थ्री टू द पावर एक्स माइनस थ्री अब इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो आ गया अब यहाँ कॉमन क्या है ये है कॉमन ले लिया बच्चों फोर इंटू थ्री टू पावर एक्स माइनस थ्री यहाँ बचा क्या थ्री इंटू थ्री टू पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो क्लियर अब देखिए या तो ये दोनों प्रोडक्ट है और जीरो है या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा तो यहां लिखेंगे हम लोग आइदर फोर इंटू थ्री टू दावर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और थ्री इंटू थ्री टू दावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लिखेंगे ना ठीक है अब यहां आइए यहां से क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री टू पावर एक्स इक्वल टू थ्री और यहां बच्चों थ्री इंटू थ्री टू पावर एक्स इक्वल टू माइनस वन ठीक है यहां से बोलिए थ्री टू पावर एक्स क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर और यहां क्या हो जाएगा थ्री टू पावर एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री होगा ना अब यहां लॉग जो है ले, ले लेंगे तो लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए टेक लॉग टू द बेस इसमें तो लॉग लीजिएगा ये जो है देखिए पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल कि थ्री क्या है पॉजिटिव है बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए इस आंसर के लिए थ्री पॉजिटिव एक्स वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा माइनस भी यदि लेते हैं तो वन बाई वन लेते हैं तो वन बाई थ्री माइनस टू वन बाई थ्री टू दी पावर टू तो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा और राइट right साइड आ रहा है निगेटिव तो ये तो कभी नहीं हो सकता है तो इसलिए ये वैल्यू जो हो गया ये क्या हो गया हम लोगों का रिजेक्टेड अमान्य हो गया ये पॉजिटिव बराबर निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है क्लियर तो ये हम लोग का क्या हो गया ये अमान्य हो गया रहा बात ये अब इसको लॉग लेना होगा आपको टेक लॉग ऑन पहले इतना चाहे लिख लिया जाए उसके बाद यहां तक पहले लिख लीजिए उसके बाद आगे बताते हैं आइए बच्चों अब वहां से यहां आते हैं थ्री टू दी पावर एक्स इक्वल टू थ्री बाई फोर है हम लोग को वैल्यू एक्स का निकालना है अभी एक्स आया नहीं है अब क्या करेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स टू द बेस क्या ले लेंगे थ्री वी गेट बेस क्या ले लिए हम लोग बच्चों थ्री ले लिए है ना तो क्या हो जाएगा लॉग थ्री टू पावर एक्स टू द बेस थ्री इक्वल टू लॉग थ्री बाई फोर टू द बेस थ्री अब ये लॉग के प्रॉपर्टी से एक्स लॉग थ्री टू द बेस थ्री इक्वल टू लॉग थ्री बाई फोर टू द बेस थ्री अब तो आप जानते हैं ये लॉग और उसका बेस यदि सेम हो गया तो ये वैल्यू क्या होता है वन होता है और एक्स इंटू वन एक्स तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू वन हो गया ये लॉग थ्री बाई फोर द बेस थ्री यानी कि x इक्वल टू लॉग थ्री बाई फोर टू द बेस थ्री लॉग थ्री बाई फोर टू द बेस थ्री ठीक है तो यही हम लोग का फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आया है एक्स टू दिस इसको हम लोग नोट कर लीजिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इफ पूछा जा रहा है यदि 150 का पावर एक्स बराबर सात तब एक्स का वैल्यू आप बताइए ठीक है वन फिफ्टी टू दावर एक्स इक्वल टू सेवन तब आप x का मान बताइए और दूसरा है यदि ए टू पावर थ्री माइनस एक्स इंटू बी टू दावर फाइव एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स प्लस फाइव इंटू बी टू दावर थ्री एक्स तब x इंटू लॉग ऑफ बी बाई ए का मान बताइए ठीक है तो भाई ये सोल्यूशन बारी बारी से पहले देख लीजिए पहला देखिए सिंस वन फिफ्टी टू दावर एक्स इक्वल टू सेवन ठीक है देयर फोर टेक लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा देखिए लॉग वन फिफ्टी टू दावर एक्स इक्वल टू लॉग सेवन ये क्या हो जाएगा एक्स लॉग वन फिफ्टी इक्वल टू लॉग सेवन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स टू द बेस बेस भी ले लीजिए टू द बेस टेन ले लिया जाए वी गेट कॉमन जो बेस होता है वो ले लिए वी गेट तो एक्स लॉग 150 फिफ्टी इक्वल टू लॉग सेवन है ना क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू तो लॉग सेवन अपॉन लॉग वन फिफ्टी लॉग सेवन इसको क्या लिख सकते हैं फिफ्टीन वन फिफ्टी को अब बेस टेन है बेस टेन है फिफ्टीन इंटू टेन लिख सकता हूं बच्चों इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग सेवन टू द बेस टेन डिवाइड लॉग फिफ्टीन टू द बेस टेन प्लस लॉग टेन टू द बेस टेन है ना क्या हो गया लॉग सेवन टू द बेस टेन अपॉन लॉग फिफ्टीन टू द बेस टेन और ये तो देखिए दोनों सेम हो गया लॉग और उसका बेस भी तो ये हो गया वन यानी एक्स का वैल्यू दे फॉर एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों लॉग सेवन टू द बेस टेन अपॉन वन प्लस लॉग फिफ्टीन टू द बेस टेन टू द बेस टेन लॉग सेवन टू द बेस टेन अपॉन वन प्लस लॉग फिफ्टीन टू द बेस टेन यही हम लोग का फाइनल आंसर आया ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि इतना बराबर इतना तब लॉग बी बाई ए का मान बताइए तो सिंस ए टू दावर थ्री माइनस एक्स इंटू बी टू दावर फाइव एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स प्लस फाइव इंटू बी टू दावर थ्री एक्स है ना यही है अब b वाले को एक साइड ले जाइए a वाले को एक साइड लाया जाए ठीक है तो लाइए देअर फोर बी फाइव एक्स बाई बी थ्री एक्स और ये क्या हो गया ए टू पावर एक्स प्लस फाइव अपॉन ए टू पावर थ्री माइनस एक्स यहां से क्या हो गया बी टू पावर टू एक्स और ये ए टू दी पावर कितना हो जाएगा देखिए एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस एक्स क्लियर अब बोलिए बी टू पावर टू एक्स ए टू पावर टू एक्स प्लस टू है ना अब बी टू पावर टू एक्स इक्वल टू ए टू पावर टू एक्स इनटू ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको कहीं कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं ना ठीक है तो क्या हो जाएगा बोलिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई टू एक्स अपॉन ए बाई टू एक्स क्लियर ठीक है यहाँ सब आइए बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी बाई ए टू दी पावर टू एक्स लिख सकते हैं ठीक है अब क्या हो जाएगा क्लियरली स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा क्लियरली क्या हो जाएगा इक्वल A, टू A क्या हो जाएगा बी बाई ए टू दी पावर एक्स ए इक्वल टू दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई ए टू पावर एक्स ठीक है टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स टू द बेस ए ले लिया वी गेट क्या हो जाएगा लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू लॉग by a to the power x to the power x ये तो बच्चों कितना हो गया वन हो गया लॉग और उसका बेस दोनों सेम हो गया ना तो ये तो वैल्यू वन हो गया और ये क्या हो गया लॉग एम टू power एन ये वाला प्रॉपर्टीज लॉग एम टू power एन टू द बेस ए क्या होता था एन लॉग एम टू बेस ये होता था तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू लॉग ऑफ बी बाई एक्स इंटू लॉग बी बाई ए देखिए क्या निकालना था एक्स इंटू लॉग बी बाई ए यानी कि देर फोर एक्स लॉग एक्स लॉग बी बाई इक्वल टू वन यही हुआ हम लोग का फाइनल आंसर ठीक है तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए क्वेश्चन है बच्चों देखिए इफ लॉग टू एक्स माइनस फाइव टू द बेस नाइन इक्वल टू लॉग एक्स माइनस फोर टू द बेस थ्री तब x का मान बताइए सॉल्यूशन दिया हुआ है लॉग टू एक्स माइनस फाइव टू द बेस नाइन इक्वल टू लॉग एक्स माइनस फोर टू देश थ्री ठीक है देयर फोर पहले तो बेस लॉग का बनाया जाए सेम तो ये तो थ्री स्क्वायर e हो गया और ये हो गया टू एक्स माइनस फाइव लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर टू द बेस थ्री अब ये तो बेस का पावर है तो ये तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन विथ रेसी प्रोकल वन बाई टू लॉग टू एक्स माइनस फाइव थ्री इक्वल टू लॉग एक्स माइनस फोर टू द बेस थ्री ये ऊपर गया वहाँ लॉग में कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव टू द पावर वन बाई टू टू द बेस थ्री लॉग एक्स माइनस फोर टू द बेस थ्री ठीक है अब तो देखिए दोनों का बेस सेम है लॉक का देखिए है ना तो ये क्लियरली क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव टू पावर वन बाई टू इक्वल टू एक्स माइनस फोर अब इसको स्क्वायर कर दीजिए तभी ना ये वन बाई टू खत्म होगा तो बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग गेट दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है क्या हो जाता है देखिए 2x एक्स माइनस हो गया यहां इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर हो जाएगा होगा ना अभी क्या हो गया बच्चों टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन ले जाइए उधर एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स हो गया एट एक्स माइनस एट एक्स और माइनस टू एक्स एट एक्स टेन एक्स आइए माइनस फाइव उधर गया तो प्लस हो गया प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू ज़ीरो हो गया है ना अब आइए इसका गुणनखंड कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टेन एक्स अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर ठीक है ट्वेंटी वन इक्वल टू ज़ीरो एक्स कॉमन ले लीजिए इसमें माइनस थ्री ले लीजिए यहां तक तो सभी बच्चे समझ रहे हैं बच्चों अब यहाँ x माइनस सेवन कॉमन ले लिया यहाँ क्या हुआ x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आइधर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा है ना तो वही लिखे हैं इधर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू तो जीरो या एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो तो, तो एक बराबर क्या है या? सेवन और एक्स इक्वल टू तो थ्री एक्स इक्वल टू सेवन और एक्स तो इक्वल टू थ्री है ना? एक्स इक्वल टू सेवन और एक्स इक्वल टू थ्री तो यही बच्चों फाइनल आंसर इसको नोट कर लीजिए हमें उम्मीद है आज जो हम लोगों ने लॉगरिथम पर प्रश्न बनाया सभी बच्चों को समझ में आया होगा और इसको नोट कर ही लिए हैं फिर भी घर पर अपने से जितने प्रश्न बनाए जा रहे हैं उसको अपने से बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे आज इतना ही तब तक के लिए नमस्कार स्वस्थ रहिए